Good morning, my sweet little children. How are you? Hope you all are fit and fine. And I am fine too. Today is your EVS class and we are going to read and discuss our chapter number 3. And the name of the chapter is Family. Family means Parivar. In this chapter, you came to know about what is a family. Parivar kya hai? Types of family and who all are there in a family. So let's start the chapter. Okay. Do you know what a family is? Parivar kya hota hai? A family has a father, mother and their children living together. Or you can say father, mother and their children living. Ikatthe rehna form a family. Jahan aap, aapke papa, mamma aur aapke bhai, behen एक साथ रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं परिवार. योर फादर एंड योर मदर आर योर पेरेंट्स. आपके पापा मम्मा आपके क्या हैं पेरेंट्स हैं. इफ यू आर अ गर्ल यू आर देयर डॉटर. अगर आप एक लड़की हैं तो आप अपने पापा मम्मा की क्या हुई बेटी. सपोज आई एम अ गर्ल तो मैं अपने पापा मम्मी की क्या हुई बेटी. ठीक है. और अगर आप बेटा हैं तो आप अपने पापा मम्मी के क्या हुए सन. राइट. इफ यू आर अ गर्ल यू आर अ डॉटर ऑफ योर पेरेंट्स एंड इफ यू आर अ बॉय यू आर सन ऑफ योर पेरेंट्स. ओके. सो लुक एट द पिक्चर. देयर इज अ पिक्चर ऑफ जोशी फैमिली. ओके लेट्स बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. देयर आर two types of families in your chapter. One is small family and the second is large family. In small family there is father, mother and their one or two children living together. It's called nuclear family or you can also say small family. In large family there are grandparents, parents, your uncle, aunt and their children. Form a large family. Okay. So, Uma Joshi is a mother. So, look at the picture here. Uma Joshi is mother. Raj Joshi is father. And Hema and Ravi are their children. So, Uma Joshi is the mother of Hema and Ravi. Uma Joshi, Hema and Ravi ki kya hai? Mother hai. Raj Joshi is father of Hema and Ravi. Raj Joshi, Hema और Ravi के क्या हैं? Father, यानि कि पिताजी. Both are siblings. वो दोनों क्या हैं? भाई बहन. ठीक है? So, Ravi and Hema lives in a small family. वो कैसी family में रहते हैं? छोटे family में. जहां पापा मम्मी हैं और वो भाई बहन हैं. They'll form a small family. ठीक है? And their friend टीना लिव्स इन अ लार्ज फैमिली. और उनकी जो फ्रेंड है टीना वो एक लार्ज फैमिली में रहती है. कैसे? क्योंकि टीना की फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अंकल आंट एंड देयर कजन्स लिविंग टुगेदर. टीना की फैमिली बड़ी फैमिली है क्योंकि उसमें उनके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं. ठीक है. So let's talk about members of the family. अब टीना की फैमिली में कौन कौन थे? उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंट एंड हर कजन्स. तो पेरेंट्स कौन होते हैं? हमारे मम्मा पापा को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं मतलब हमारे पापा के मम्मी पापा और हमारे मम्मी के पापा मम्मी, जिनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? दादा दादी और नाना नानी. अब टीना की फैमिली में और कौन थे? अंकल एंड आंट्स. आपके चाचा चाची, ताया जी ताई जी, मामा मामी, वो आपके क्या हुए? अंकल एंड आंट्स. और उनके जो बच्चे हैं दे आर योर कजन्स. राइट. मेंबर्स ऑफ द फैमिली शेयर वन कॉमन नेम दैट इज कॉल्ड सरनेम. जैसे हमने जोशी फैमिली में देखा था उमा जोशी, रवि जोशी, राज जोशी, दे ऑल आर शेयरिंग वन कॉमन नेम. That is called surname. जैसे मेरा भी एक surname है. ठीक है. आपका भी एक surname होगा.
सो हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक ही सरनेम को फॉलो, जिनको हम अपने नाम के पीछे लगाते हैं, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी लर्न्ड, मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिव्स टुगेदर, चाहे आप छोटी फैमिली में रहते हो या बड़ी फैमिली में रहते हो, फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ, क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। दे टीच अस गुड मैनर्स, दे हेल्प अस टू बिकम अ गुड सिटीजन्स, एंड बीइंग इन द फैमिली वी फील वेरी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। अच्छा महसूस करते हो ना, और सेफ, कि जब तक हम फैमिली के साथ हैं वी आर टोटली सेफ। सो यू ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, वी मस्ट लव ईच अदर इन द फैमिली, बिकॉज अ लविंग फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। तो अब ये चैप्टर हमने फुल रीड कर लिया फैमिली के बारे में, तो अब आप क्या करोगे? नाउ इट्स योर टर्न, यू रीड द चैप्टर थॉरली, अच्छे से रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, और वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, बाय।